Hello, good morning student. Now chapter 4. हमारी एक्सरसाइज थी 4.1 से 4.6 तक कंप्लीट हो चुकी है. अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में करेंगे. पेज नंबर 141 पर दिया हुआ है. पेज नंबर 141 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर का. फर्स्ट रो के एलिमेंट है आपके x sin theta cos theta, सेकंड रो के एलिमेंट है minus sin theta minus x 1 और थर्ड रो के एलिमेंट है cos theta 1 और x. इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ theta, यानी इसको एक्सपेंडिंग करना है आपको. जो सॉल्व होके आएगा आपका, सॉल्व होकर आएगा तो वो जो टर्म मिलेगा आपको विदाउट theta के होगा, एक्सेप्ट theta. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ theta. तो हमने इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. लेट डिटरमिनेंट x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 cos theta 1 x. एक्सपेंडिंग करेंगे इसको हम, एक्सपेंडिंग करेंगे r 1 के अकॉर्डिंग, रो फर्स्ट रो के साथ करेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा x है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा minus x 1 1 और x हो जाएगा. इसके बाद इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सेकंड का लेके चलेंगे हम इस तरह से, इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट का करेंगे फर्स्ट रो के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा. इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे sin theta cos theta और sin theta cos theta एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा. x sin square theta plus x cos square theta इन दोनों को पास पास रखेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, sin square theta cos square theta बन आ जाएगा. इसका हमने मल्टीप्लाई किया, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका x cube. ये विदाउट theta के है, दिस इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ theta और ये आपको प्रूव करना था. ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था. ओके तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू. पेज नंबर 141 पर क्वेश्चन नंबर टू दिया है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट. लेफ्ट में जो डिटरमिनेंट निकालना है वो एलिमेंट दिए फर्स्ट रो के, ए ए स्क्वायर बी सी, बी बी स्क्वायर सी ए, सी सी स्क्वायर ए बी. और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है डिटरमिनेंट 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके चलेंगे इसको ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी. इसमें हमने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, बी का सेकंड में और सी का हमने थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट रो में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट हो जाएंगे आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी. बी का सेकंड रो में करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी. थर्ड में करेंगे सी का तो सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी. ओके अब देखिए तीन कॉलम हैं आपके, थर्ड कॉलम में बिल्कुल सेम एलिमेंट है यहाँ पे, तो जितने का हमने मल्टीप्लाई किया उतने का हम डिवाइड करते हैं. तो ए बी सी का मल्टीप्लाई किया था तीनों में तो उधर हमने लेफ्ट में क्या कर दिया, सबसे पहले ए बी सी हमने ले लिया. अब इसमें से कॉमन लो ए बी सी फ्रॉम द कॉलम थर्ड, सी थ्री में से कॉमन लेंगे, कॉमन मीन्स डिवाइड करेंगे तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा इधर लेफ्ट में. राइट के बाद डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे ए स्क्वायर ए क्यू और 1, बी स्क्वायर बी क्यू और 1, सी स्क्वायर सी क्यू और 1. अब आपने इसमें रीड किया है जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं सभी को, या सभी कॉलम को रो में चेंज करते हैं, मोड इन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, ठीक है, रिमेंस सेम वैल्यू रहती है. अब हमने क्या किया, इसको हमने चेंज किया सी वन को सी थ्री में, सी वन को किस में किया हमने, सी थ्री में. तो C1 C3 यानी C3 वाले एलिमेंट हमारे फर्स्ट C1 में आ जाएंगे और C1 वाले हमारे वो C3 में चले जाएंगे. इसी तरह से हमने C2 को चेंज किया C3 में, तो C3 में जो एलिमेंट थे वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर थे वो C2 में आ जाएंगे और C2 वाले C3 में आ जाएंगे. इस तरह से पहले हमने चेंज किया तो माइनस आया, दूसरी बार चेंज करेंगे माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे और ये नंबर आ जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1,
सेकेंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और ये राइट हैंड साइड में हमें लाना था, ये प्रूव करना था। ओके समझ आ गए पार्ट? जब भी प्रूव करना होता है तो वन साइड लेके चलेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो चाहे वो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू होता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारा जो पार्ट दिया है ए वैल्यू, ए वैल्यू मीन्स होता है वैल्यू निकालना, नॉट सॉल्व प्रूव करना। तो ये हमारा दिया फर्स्ट रो के एलिमेंट, थ्री बाई थ्री का दिया हुआ है डिटरमिनेंट, जब भी निकालते हैं स्क्वायर स्क्वायर में होते हमारे वो पार्ट। ओके तो फर्स्ट के एलिमेंट आपको दिए हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। सेकेंड रो के एलिमेंट दिए माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, दिए साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। लेट डिटरमिनेंट दिस, इसको हमने डिटरमिनेंट सपोज किया और इसके हमने एक्सपेंडिंग करेंगे अलोंग सी थ्री के अलोंग, किसी के साथ कर सकते हो। तो इसमें हमारा जीरो जो दिया वो सी थ्री में दिया है, देखते हैं जहां सबसे ज्यादा जीरो होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें जीरो किस में दिया आपका? सी थ्री में, इसलिए हमने इसको एक्सपेंडिंग कर दिया सी थ्री में। तो सी थ्री का फर्स्ट एलिमेंट है आपका माइनस साइन अल्फा, ऐसे रखेंगे। तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट को डिलीट कर दो, बाकी जो एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे इधर से मल्टीप्लाई करके देखो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस, प्लस में क्या होगा जीरो, जीरो का जीरो हो जाएगा। थर्ड वाले का आएगा हमारा थर्ड कॉलम का लास्ट वाला थर्ड रो का एलिमेंट है कॉस अल्फा, तो थर्ड रो को डिलीट करो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इधर प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई या कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से साइन अल्फा कॉमन लेते हैं। तो माइनस साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह राइट हैंड साइड में हमने कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ओके ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, वैल्यू क्या होती है हमारी वन होती है, क्या होती है वैल्यू हमारी वन। इसके बाद वैल्यू होती है हमारी इसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में डीड किया हुआ था, यह आइडेंटिटी होती है, यह आइडेंटिटी किसके बराबर होती है वन के बराबर होती है, यह आइडेंटिटी हमारी वन के इक्वल होती है। ओके क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर में ए बी सी आर रियल नंबर दिए हैं, ए बी सी कैसे नंबर दिए, रियल नंबर आर डिफरेंट इक्वल नहीं डिफरेंट, सो डिटरमिनेंट इज बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये थ्री बाई थ्री का हमें ऑर्डर दिया हुआ है और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर दी है। प्रूव करना है आपको सो दैट आइदर ए प्लस बी इजिकल टू जीरो और ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, ये आपको प्रूव करना है। तो ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी आपको प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो, ये प्रूव करना है। तो अप्लाई करते हैं हम फर्स्ट में, देखो फर्स्ट के लिए जो पार्ट करना है आपको आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर सी, तीनों रो को प्लस कर दिया फर्स्ट में रख दिया, तो R1 वन टेंस टू हो जाएगा R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सो वी नो वी है तो V प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, इनको प्लस करेंगे टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट टू ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट टू ए प्लस बी प्लस सी, टेकन कॉमन टू ए प्लस बी प्लस सी टेकन कॉमन लेंगे फ्रॉम आर वन, तो ये हो जाएगा वन वन वन। सेकेंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी, और थर्ड के हो जाएंगे ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। इसके बाद हमने क्या है दो, इसमें देखो वन 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 आ रहा है, अब इसको हमें जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन, सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी वन, यानी सेकेंड में से हमने फर्स्ट कॉलम को माइनस करो और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को करो,
तो माइनस करके आ जाएगा हमारा फर्स्ट का, तो ऐसे रखेंगे ठीक है, वन सी प्लस ए ए प्लस बी, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो जाएंगे सेकंड कॉलम का एलिमेंट जीरो बी माइनस सी सी माइनस ए, थर्ड को हो जाएंगे जीरो बी माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो दो जीरो आ गई, सबसे इजी पड़ेगा आप एक्सपेंडिंग कर दो एल ओ आर वन के, तो आर वन का फर्स्ट एलिमेंट है वन, तो फर्स्ट रो को एलिमेंट डिलीट करो, सेकंड को करो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट को डिलीट कर दो, बाकी जो बचे हैं उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो ये बचेगा आपका बी माइनस सी सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो लेफ्ट में था आपका टू ए प्लस बी प्लस सी जो कॉमन लिया था और इसको एक्सपेंडिंग किया, वन बी माइनस सी सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस ए, प्लस जीरो का किससे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाता है, इसी तरह उसका भी वैल्यू माने जीरो हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी का, तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो माइनस टू बी सी प्लस बी ए प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, अब जो हमने इसमें से प्लस के टू बी सी में से माइनस के बी सी प्लस करेंगे प्लस का बी सी आ जाएगा, और ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया या पढ़ लो? अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर थी हमारी, जीरो के बराबर, इसको हमने जीरो के बराबर रख देंगे, आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और सेकंड में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पार्ट हो जाएंगे जीरो के बराबर रख देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हमने जीरो के बराबर रख देंगे, और इस कॉलम में हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, तो फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ये प्रूफ करना था, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करना था ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी, ये पार्ट करना है, तो उसको हमने लेके चले हम सेकंड को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो के बराबर रखेंगे, और इसमें हमने टू का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड माइनस टू का, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए प्लस के टू ए क्यू प्लस के टू बी क्यू प्लस टू सी क्यू इक्वल जीरो, अब इसको हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको हमने टर्म को स्प्लिटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे हम स्प्लिटिंग करने पर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल जीरो, ये बन जाता है हमारा पहले ऑप्शन, तो इनको हमने तीनों वैल्यू को अलग अलग रखेंगे, जीरो कब आ सकता है ये हमारा जब a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, सो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो b इज इक्वल टू c हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल टू जीरो c इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो ये तीनों वैल्यू हमारी सेम आ जाएंगी, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, हेंस डिटरमिनेंट जीरो है, देन a प्लस b प्लस c जीरो और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर हो गई है, तो ये हमारा फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फॉर्मूला जो था हमारा वो लर्न भी करना है, ठीक है, तो उससे हमारी वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता हमारा फाइव, सॉल्व करना है, सॉल्व करना एक्स वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारा जीरो के बराबर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट इज जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें हमारा टेकन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलते हैं, लेफ्ट में जो दिया हुआ है वो है x प्लस ए एक्स और x, ये हमारे एलिमेंट है फर्स्ट रो के, सेकंड रो के एलिमेंट है x x प्लस ए x, थर्ड रो के एलिमेंट है x x x प्लस ए। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है रो को c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दो या r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दो, तो यहां मैंने आपको यहां पर किया है r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये मैंने वैल्यू किया है। ओके, तो ये बन जाएगी आपके 3x प्लस ए, फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, सेकंड रो के एलिमेंट सेम रहेंगे, थर्ड के भी सेम रहेंगे, सेकंड के दिए हुए हैं x x प्लस ए x, थर्ड के दिए हुए हैं x x और x प्लस ए, टेकन कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम द r1, r1 में से हमने कॉमन ले लिया 3x प्लस ए 111 फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड थर्ड के सेम है, अब इसमें हम एक्सपेंडिंग कर सकते हैं और दो जीरो भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने इसको पहले जीरो बनाया c2 में से c1 को माइनस किया c2 टेंड्स टू c2 माइनस c1 और c3 माइनस c1,
तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट तो सेम रहेंगे, 1xx। अब देखो c2 में से c1 माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, x प्लस a में से x माइनस करेंगे a, और x में से x दे दो। ओके बेटे समझ आ गया है? इसी तरह थर्ड में करो आप, c3 माइनस c1, 1 में से 0, इसमें से माइनस 0 आ जाएगा आपका पार्ट, और ये हमारा x प्लस a, इसको माइनस कर दो a, फिर x पेंडिंग कर देंगे अलोंग r1 के साथ, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आती है, तो हम एक्स के दो पार्ट बन जाएंगे। ये जीरो के बराबर दिया होता है डिटरमिनेंट, किसके बराबर दिया था, जीरो के बराबर। तो 3x प्लस a इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3, और इधर a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, हमें a के थ्रू निकालनी है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 है तो वो हम नॉट डिफाइंड कर देंगे a इज इक्वल टू 0 में, बट 3x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो आपने एक आइडेंटिटी रीड किया है, किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वी गेट ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वी गेट ए मैट्रिक्स मिलता है, तो वही आपको प्रूव करना है, इसमें भी लेके चलना है। तो लेट गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3x3 का दिया हुआ मैट्रिक्स, 1 - 2 1, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकेंड के -2 3 1, थर्ड के दिए 1 1 5। ओके, तो इसका इनवर्स निकालना, पहले आपको इनवर्स निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी एक्स पेंडिंग कर देंगे इसको एलोंग आर वन के साथ, आर वन के साथ करिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू आएगी -13, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट इज सिंगुलर, इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमने कोफैक्टर निकालेंगे, 9 एलिमेंट दिए, 9 ही आपके कोफैक्टर बनेंगे, कोफैक्टर को कैपिटल में लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर a11 है, इसकी वैल्यू 14 है, और सेकंड हमारी जो वैल्यू आई आपकी इसमें 11 की, इसमें हमारे दिए कोफैक्टर 11 की वैल्यू 14, a12 की वैल्यू 11, a13 की वैल्यू -5, a21 की वैल्यू 11, a22 की वैल्यू 4, a23 की वैल्यू -3, a31 की वैल्यू -5, a32 की वैल्यू -3, और a33 की वैल्यू -1। एडजेंट ऑफ a निकालना है, तो आप जानते हो एडजेंट ऑफ a में क्या करते हैं, हम कोफैक्टर रखते हैं और उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करके ये वैल्यू आ रही है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 14, 11 -5, 11 4 -3, -5 3 1 एडजॉइंट। इनवर्स इज इक्वल टू a, इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, तो इसको -1 अपॉन 13 वैल्यू पुट करेंगे इसके साथ, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी, ये वैल्यू जो देखेंगे आप इसमें वैल्यू, ये वैल्यू जो आएगी -1 अपॉन 13 -14 1 1 5 11 4 3 5 3 1, तो ये वैल्यू आ जाती है और हमने ये एडजॉइंट इक्वेशन का है। अब ये है, ये हो गया इनवर्स, इसका अब इनवर्स निकालना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए निकालने के लिए वो इस तरह से यूज करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 13। अब देखिए इसके क्या निकालना है, 1 1 14 के निकालिए पहले, 14 का आ जाएगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 की पावर 3 आ जाएगी इसकी, तीनों कॉमन लेंगे इसके साथ, तो -14 - -13, 11 - -26, +5 - -13, यानी इसको आप एक इनवर्स निकाला है हमने, इसको सपोज भी कर सकते हो आप पीछे और फिर उसके बाद इनवर्स निकाल लो, उसके वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स के बराबर आएगी जो मैट्रिक्स में दी हुई थी आपको, वो मैट्रिक्स में वैल्यू दी हुई थी 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5। ओके, तो ये वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया है हमारा पार्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट,
तो ये हमारा पार्ट हो जाता है 1, 2, 3 और 1 प्लस p, 3 प्लस 2p और 6 प्लस 3p। थर्ड कॉलम के एलिमेंट है 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q। ये हमारे अलग अलग कॉलम के दिए हुए हैं और ये प्रूव करना है आपको। ओके, तो इसके साथ जो वैल्यू है आपकी निकालने की जो वैल्यू है वो हम इसको प्रूव करेंगे तो ये हमारी 1 के बराबर आ जाएगा। तो अप्लाई करेंगे हम के देखो 1, 2, 3 है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट के एलिमेंट को हमने सेम ऐसे रखा, सेकंड के रो के एलिमेंट को हमने चेंज किया R2 - 2R1 में, और R3 में करेंगे हम R3 - 3R1। पहले हो जाएंगे 1, 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q, 0, 1, 2 प्लस p, 0, 3, 7 प्लस 3p। अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई करो तो ये वैल्यू बन जाएगी R2 - 2R1, R3 - 3R1। सो वी हैव डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q, 1, 2 प्लस p, 3, 7 प्लस 3p। फर्स्ट के रो के एलिमेंट को सेकंड सेम रखते हैं, सेकंड को चेंज कर दिया रो को और थर्ड रो को भी चेंज कर दिया। अब एक्सपेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग करने के लिए हम या वैल्यू लगा सकते हैं, हम सॉल्व और इजी बन सकता है हमारा। तो हमने थर्ड वाले के रो को चेंज किया R3 - 3R2, तो ये बन लू फर्स्ट को हमने सेम ऐसे रखेंगे, केवल हम थर्ड रो को चेंज करेंगे, सेकंड को सेम ऐसे रखना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1, 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q, सेकंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे 0, 1, 2 प्लस p और 0, 0, 1। अब ये हमारा बहुत इजी बन गया, चाहे तो थर्ड रो के साथ कर दो या फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, दोनों में जीरो है, थर्ड रो में भी 2 जीरो है और फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है, तो किसी के साथ भी एक्सपेंडिंग हम कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कॉलम के साथ एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 1, 2 प्लस p, 0, 1, तो 1 × 1 = 1 होता है और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में आया कई बार, और इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। पहले हमने अपनी तरफ से सपोज करेंगे इसको 1/x को p मानेंगे, 1/y को q, एंड 1/z को r सपोज करते हैं। तो 1/x को हमने p लिया तो 2p + 3q + 10r = 4 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, तो यहां वेरिएबल p q r होंगे। सेकंड बन जाएगा 4p - 6q + 5r = 1, थर्ड बन जाएगा 6p + 9q - 20r = 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके बन जाएंगे। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गए हमारे तीन, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, तो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के उसको a सपोज करते हैं, तो यहाँ कोएफिशिएंट जो दिए वो a, मैट्रिक्स a इक्वल टू रो की फॉर्म में लिखेंगे 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9, 20। ओके, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। x को सपोज करेंगे पी क्यू आर, और b को सपोज करेंगे जो d1 d2 d3 होते हैं हमारे राइट हैंड साइड में होते हैं, उनको लेते हैं हम 4, 1 और 2। इसके बाद हमने क्या किया, डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू पार्ट आता हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a की एक्सपेंड करने के बाद 1200 आएगा, 1200 यानी हमने इसको एक्सपेंड किया आर वन के साथ, एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1200, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज सिंगुलर नॉट नॉन सिंगुलर, और ये हमारा यूनिट सॉल्यूशन होगा, ये एग्जिस्ट होता है हमारा। अब इसके हमने कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर होता है a11 75, a12 कोफैक्टर ऑफ a12 110, 1372, 21 150, 22 100, 230, 3175, 3230, 33 - 24। A inverse is equal to 1/4 A determinant of A adjoint of A। Adjoint निकालेंगे A, cofactor निकाले पहले हमने इनके, cofactor निकाले उसका transpose करके वो हमारे adjoint आ जाता है। तो इसको transpose करने के बाद बनते हैं 75, 150, 75, first row के element है, second के 110, -100, 30, third के -72, 0 और -24।
Therefore, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. इसी वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल होता है a इनवर्स इनटू b. a इनवर्स की वैल्यू लगाई 1/1200 इनटू 75 150 75 110 130 72 0 24, और b की वैल्यू पुट कर दी हमने 412. मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना जानते हो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं, इसी तरह से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है आपकी सॉल्व करने के बाद 1/1200 600 400 and 240. इसके अंदर डिवाइड कर दो तो 1/2 1/3 और 1/5. तो x p की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिए वेरिएबल वो p q r लिए, p की वैल्यू आई है, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/5. ओके है, तो x = 2 y = 3 and z = 5. क्वेश्चन 16 में करेक्ट आंसर लिखने हैं आपको, ए बी सी आर द एपी देन द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x+2 x+3 x+4 x+3 x+4 x+5. इस तरह से ये वैल्यू होगी, तो इसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें आपको दिया है ए बी सी आर ए पी, तो 2b = a + c, तो हमने 2b की वैल्यू पुट कर देंगे a + c, इसमें पुट की 2b की वैल्यू a + c, और इसके बाद हमने फर्स्ट में लगाया आर वन को चेंज किया आर वन माइनस आर टू में, आर थ्री को चेंज किया आर थ्री माइनस आर टू में, और इसके बाद हमने क्या कर दिया ये वैल्यू करने के बाद अप्लाई किया आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर थ्री, आर वन आर थ्री को प्लस कर दिया, तो ये तीनों जीरो आ जाएंगी, फर्स्ट ओके सभी एलिमेंट जीरो आ जाएंगे. और आप जानते रीड किया हुआ है किसी भी डिटरमिनेंट में किसी मैट्रिक्स में यदि वन रो या वन कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी जीरो, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो के बराबर. ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका. ओके, तो ये हमारी मसलन एक्सरसाइज है, कंप्लीट है ये, तो ये आपको सॉल्व करके देखनी है, सॉल्व करने जो जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेंगे आपको. इसी के साथ एक और आता हमारा पार्ट ए इनवर्स निकालने के लिए, तो इनवर्स जो निकाला हमने मैट्रिक्स फॉर्म से निकाला था, अब एक और मेथड है उसका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से करेंगे उसको. ठीक है, थैंक यू. ओके.